जैसा कि आप देख रहे हैं, करालपुरा गांव हमारे साथ सटा हुआ है और हमारा हमेशा एम रहा है कि करालपुरा गांव के आवाम को हम अपने साथ लेके चलें। और हमने जैसे यहां पर पहले ग्राउंड भी ठीक किया, लाइट्स भी लगाएं, एक वर्कशॉप की और ये वाली भी मोटर वर्कशॉप की है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आवाम के हम साथ हैं और आवाम को साथ लेके चल रहे हैं। जैसा आपने पहले भी देखा था कुछ दिन पहले और आज भी देख रहे हैं, ये हमारा जो थीम है एम्पावरमेंट ऑफ यूथ फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, जो इस थीम को लेके हम चल रहे हैं। तो आपने कुछ दिन पहले देखा था, हमने बच्चों को किया था जो थोड़े एजुकेटेड हैं, अभी हम्बल बैकग्राउंड वालों को हमने गाड़ी के बारे में सिखाया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम एक क्रिकेट मैच करा रहे हैं इनके साथ, और ऐसे आप देखते रहेंगे, हर हफ्ते हम कोई ना कोई इवेंट कराएंगे ताकि आवाम को साथ लेके चलें और गाइड करें। कश्मीर के यूथ जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं, अगर इनको करेक्ट गाइड किया जाए, जैसे अभी हम गाइड कर रहे हैं और हमारे साथ कंप्लीट आर्मी इनको गाइड कर रही है, टैलेंट उभर के आ सकता है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कोई धोनी जैसा प्लेयर या अच्छा टॉप प्लेयर नहीं। मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम आपके लिए हैं, हम आवाम के लिए हैं, आवाम हमारे। मिस्टर अहमद डार है, मैं करालपुरा से हूँ। तो हम यहाँ वर्कशॉप सीखने आए थे फौज के अंदर, इन्होंने हमें फोर व्हीलर की वर्कशॉप सिखाई जिसमें 800 आ रही थी, और हमें इसके फौजी गाड़ी के जो बड़े है एलिंजा इनको पास होती है फौजी गाड़ी, उसको भी हमें सीखने का मौका मिला। और एक बार दो तीन बार हम जम्मू कश्मीर गए, वहाँ भी हमने सीख लिया, बहुत से अच्छा लगा हमें बहुत। फौज ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, हमें सिखाने दिया ताकि हम कुछ आगे कर सके। हमें जो सीखा, हमें कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब भी मिल सकती है, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है कि फौज से कुछ हमें सीखने को मिल सकता है, लेकिन जवानों के अंदर डर सा लगता है कि फौज शायद हमें खा जाए, ऐसी बात नहीं है। हम उनके साथ रहे, हमें तभी पता चले जब हम फौज के साथ रहेंगे, फौज हमारे साथ रहे।